शिक्षा कर दी गई कि देखो भाई, आप नरक जाने के लिए ऐसा काम करो, स्वर्ग जाने के लिए ऐसे काम करो और मोक्ष जाने के लिए ऐसे काम करो, है ना। तो अगर हम वैसे वैसे काम करते हैं तो ना कोई कर्म हमें नरक भेजता है, ना कोई भगवान हमें नरक भेज, भगवान क्यों भेजेंगे नरक, ये बताओ। भगवान को क्या पड़ी है कि तुम नरक जाओ, हैं? जैसे कोई माता पिता चाहते कि हमारा बच्चा गड्ढे में गिरे, है ना। पर तो राम न मारत काहू को ऐसे भोले राम, कि राम न मारत काऊ खो ऐसे भोले राम, अपने आप मर जात हैं करके खोटे काम। अब खोटे काम करोगे तो स्वाभाविक गति बिगड़ जाएगी, क्योंकि जब खोटे काम करने के लिए मति को बिगाड़ना जरूरी है। क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो है ना किसी को कोई गलत काम करना है तो गलत काम करने के लिए पहले मति बिगड़ेगी, हैं? मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे, ख्याल आएंगे, प्लानिंग होगी, है ना। तो पहले क्या बिगड़ेगी, मति, और पहले मति बिगड़ेगी और मति के बिगड़ने से आप क्या करेंगे, अपने कदम जो हैं ना उल्टे सीधे की तरफ रास्ते की तरफ चलोगे और फिर बिगड़ जाएगी गति। तो मति किसने बिगाड़ी, कौन से भगवान ने बिगाड़ी, रामचंद्र जी ने बिगाड़ी कि हनुमान जी ने बिगाड़ी कि महावीर ने बिगाड़ी, है ना, कौन ने बिगाड़ी, कि किसी देवी देवता ने बिगाड़ी। तो मति को बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। अब जब मति हमने अपने आप से बिगाड़ी है तो उस मति के अनुसार गति बिगड़ेगी, है ना। तो अब तुम कहो कि नरक चले गए हम, बताओ, तो नरक किसी ने नहीं भेजा, तुम्हारी मति ने तुम्हें गति, तुम्हारी गति बनाई है और वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। अब भगवान क्या करेंगे, तो भगवान देखते रह जाते बेचारे, है ना, वो कहते भैया क्या करें बताओ, मैंने तो समझाया था ऐसे रहो, मैंने तो समझाया था ऐसे सुनो, मैंने तो समझाया था कि ये काम मत करो। पर जब हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो वहाँ पर हमारी बुद्धि सो जाती है, हमारी बुद्धि सो जाती है, कहते ना विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाशकालीन समय आता है तो हमारी बुद्धि भी क्या करती है, हमें वैसा करने के लिए प्रेरणा देती है, है ना। अब अपन ऐसे कोई काम करेंगे तो झूठ बोल देंगे, हाल, है ना, मुंह से हाल झूठ निकल जाएगा, है ना। अब मालूम है कि भाई पति ने कुछ पूछा, अब मालूम है कि तो अचानक अगर हम सत बोलते हैं तो अभी जी गुस्सा करेंगे, माहौल बिगड़ेगा, अपने हाल झूठ बोल दिया, नहीं 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 नहीं, है ना, हाल मना कर दिया, है ना। अब किसी बच्चे से कह दो, अच्छा खासा सो रहा है, नींद में है, है ना, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, है ना, पर वो क्या करेंगे, तुम उनको सुबह जगाओ, चलो उठो, सो रहे हो अभी तक, उठो, है ना, सो रहे हो, कहाँ सो रहे हैं, हम तो लेटे हैं, हाल झूठ बोल देगा। अब सो रहे तो ठीक है भाई, कोई मना तो नहीं करे तुमसे, तुम्हें जे तो हम कह रहे हैं तुम सो रहे हो, है ना, तो क्या कहेगा, नहीं नहीं हम तो जग रहे हैं, है ना। तो ये तो व्यक्ति की जुबान पर, है ना, मति बिगाड़ने के सामान तैयार रखे हैं, हाल बिगाड़ लेता मति, हाल झूठ बोल दिया, है ना। तो ऐसे ही, है ना, चोरी, अब चोरी कौन बती, चोरी अपन लोग सोचते हैं कि हम रात के अंधेरे में किसी दूसरे घर में जाकर के दरवाजा तोड़ें, ताला तोड़ें, उसके बाद कोई सामान चुरा के लाएं, उसी का नाम चोरी है। अपन के दिमाग में वही बात फिट है, चोरी उसी को कहते हैं, पर वो चोरी नहीं है, चोरी के और भी तरीके हैं, है ना। किसी की रखी हुई चीज, किसी की पड़ी हुई चीज, किसी की भूली हुई चीज, है ना, उसे यूज कर लेना, है ना। कभी कभी इतना ईगो होना, इतना ईगो होना कि पता चला कि एक व्यक्ति जनवाणी को मंदिर में पढ़ रहा है, पूजा कर रहा है, मान लो चार पुजारी लाइन से खड़े हैं टेबल पर अभिषेक करने के लिए, और एक व्यक्ति के हाथ में जनवाणी है और वो जनवाणी से पढ़ रहा है, अभिषेक पाठ पढ़ सक हो सकता है, अभिषेक पाठ पढ़ रहा हो, मंगलाष्टक पढ़ रहा हो, है ना। पर वो अब दूसरा व्यक्ति पीछे खड़ा है, अब वो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, उस व्यक्ति से उसे इतना कहने में ईगो हर्ट हो रहा है कि मैं उससे ये कह दूँ कि भाई पुस्तक ऐसी कर लो यार, हम भी पढ़ते जाएंगे, ये नहीं कहेगा।
पर पड़ेगा उसी में से, थोड़ा तिरछा हो जाएगा और पड़ता जाएगा, है ना, झांक के उसे झांक के पढ़ लेगा, पर उसे कहेगा नहीं कि मैं इसमें पढ़ रहा हूँ या पढ़ूँ यहाँ कर लो तो मैं से, नहीं क्यों कहो, क्यों कहो, तो आँख झांक पढ़ लेगा, अच्छा चोर, चोरी, ये सब क्या है, चोरी है। तो ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, है ना। अब कुशील का मतलब ये नहीं कि जब हम भोग करें तभी कुशील है ना, मूवी देखकर, कोई मैगजीन देखकर, किसी के है ना कास्ट, चित्र आदि को देखकर, अगर जहाँ भी हमारे हल्के से भी भाव बिगड़ते हैं, किसी सीरियल में, किसी इंटरनेट पे अपन फेसबुक देख रहे हो, है ना, व्हाट्सअप चला रहे हो, आ गई कोई चीज, अब आ गई तो उसको तुम इग्नोर तो कर नहीं दोगे कि आँख बंद कर लोगे हल, है ना, और गंदी चीज़ आदि कोई भी चीज़ आ गई तो देखो जरूर एक बार उसको क्या है, है ना। अब जब उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं तो विचार गलत तो आएंगे, तो आपको कुशील का दोष लग गया, हाल कुशील का दोष लग गया, है ना, तो लोग कुशील हो गया। और परिग्रह तो अपन पूरी जिंदगी की अंतिम सांस तक परिग्रह के लिए कभी अपना मन भरते ही नहीं है कि हमारा मन भर गया, हमें नहीं चाहिए, है ना। मरते मरते समय भी कोई कह दे कि भाई चलो भाई तुम्हारी और ये चीज़ ले लो, ठीक है दे दो, मना नहीं करेगा व्यक्ति। तो ऐसे अपन क्या कर रहे हैं कि एट ए टाइम हमारे पास क्या चाहिए, लाओ एक जोड़ने की तृष्णा हमारे अंदर इतनी है कि हम किसी को मना नहीं करते। संतोषी व्रत नहीं हमारे पास, है ना, कि संतोषी प्राणी, कहते ना संतोषी प्राणी सदा सुखी, जिसको ये संतोष हो, है ना, तो उसको सब चीज़ अपने आप मिल जाएगी। और संतोष नहीं है तो मांग मांग के मिलेगी, तो दोष भी लगेगा और इज्जत भी खराब होगी, और तुम्हारी इमेज जो है लोगों के अंदर क्या बन जाएगी, ये तो ये मांगते हैं, है ना, लोग भागेंगे डरेंगे ये। तो यहाँ आचरण बोल रहे हैं कि नरक हो तिरंज गति हो, यहाँ कोई भेजता नहीं है, यहाँ हम लोग अपनी खुद की तैयारी से जाते हैं, क्या कहते हैं, अपनी तैयारी जाते हैं। और कईयों बार अपन देखते हैं हम इतने ढीठ हो जाते हैं, ढीठ जिद्दी इतने हो जाते हैं, कई बार गुस्सा आ गया, मान लो गुस्सा, और गुस्सा आ गया तो अपन क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, देख लेना हम मर जाएंगे, हाँ हम ऐसा कर लेंगे। सामने वाले ने कहा मर जाओगे तो मालूम है नरक जाना पड़ता, नरक, हाँ नरक चले जाएंगे। अब वो गुस्से में क्या कह रहा है, उसको नरक की डेफिनेशन ही नहीं मालूम कि नरक का मतलब क्या होता है। तो क्या है, उसे मालूम है गुस्सा एक दिन का है, कल हो सकता है ना बात जो है समझ जाएगी तो फिर हम बहंगे में हो जाएंगे वापस, पर वो एक दिन गुस्से में क्या करेगा, हाँ नरक चले जाएंगे हम, बताओ और बोलो तुम स्वर्ग चले जाइयो, तुमने भाव तो बना लिए नरक जाने के, है ना, स्त्री के भाव बना लिए, करवा चौथ है, अब करवा चौथ है और पति का व्रत रखा है अपन ने, है ना, अब व्रत का जो भी मतलब चलो वो कोई करवा चौथ करता है, कोई है ना सुहाग दशमी मनाता है सुहाग के लिए, अब मना रहे हो और मान लो 10 सहेलियाँ मिल जाएँ, है ना, और पूछने लग जाएँ आपस में तुम्हारे क्या हाल चाल हैं, उनके क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जीजू, हाँ पूछ लिया उन्होंने तो क्या कहोगे, हमारी तो किस्मत खुल गई, ऐसी किस्मत किसी की नहीं हो सकती जैसी हमारी किस्मत है, अच्छा हाँ इतने अच्छे हैं, हम तो सच में प्राउड करते हैं कि इतने अच्छे तो किसी दूसरे के भी नहीं होंगे, और हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हमें तो हर भाव में जय मिले। आपने क्या कह दिया, कितनी खुशी में, इतनी खुशी में आपने स्त्री पर्याय को मांग लिया, क्या मांग लिया, स्त्री पर्याय को, कि हर भाव में जय ही मिलें, तो जब जय ही मिलेंगे तो हर भाव में जब जय ही मिलेंगे तो तुम क्या, तुम्हें जब हर भाव में प्रत्येक भाव में, तो तुम प्रत्येक भाव में तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, स्त्री, तो तुम स्त्री पर्याय से मुक्त होना चाहती ही नहीं हो, तो तुमने खुशी खुशी में भी स्त्री पर्याय को मांग लिया। अब उन्होंने क्या कर्म ने क्या कहा, तथास्तु, अब बनो स्त्री। अब क्या कह रहे हो, भगवान ये स्त्री पर्याय बहुत दुखी है, स्त्री पर्याय बेकार है, तो भगवान कहते तुम ही ने तो मांगी थी, तुम ही ने चूज की थी भाई सामान, भैया क्या चाहिए, कहीं जे ही चाहिए, हमेशा जे ही चाहिए, तो ले लो फिर जे ही, है ना, अब जे ही ले लो तो घूमन के साथ, है ना। अब जिनको मांगा है उनकी परिस्थिति तो समय के साथ चेंज होगी,
जब इसी एक ही पर्याय में व्यक्ति का स्वभाव पूरी जिंदगी एक सा नहीं रहता है, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। अपन देख लो, महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में पति भी चेंज हो जाता है बार बार, को सुबह कुछ और शाम को कुछ और, क्योंकि परिस्थिति कैसी रही उसको, क्या कहाँ से आया, दुकान से आया, दुकान में कैसी स्थिति बनी है, कोई ग्राहक से पंगा हो गया, कभी किसी कोई बात हो गई है। तो अभी सुबह तो बड़ा खुश हो गया था, फिर ये मैं अभी जाता हूँ, आज अपन दोपहर में जल्दी जाएंगे, है ना, अपन साथ में खाना खाएंगे और साथ में ऐसा करेंगे, घूमने चलेंगे, बोल के चला गया, और दुकान पर जाके हो गया मूड खराब। अब मूड खराब हो गया, पत्नी तो बड़ी तैयार हो रही, तैयार हो गई, क्रीम पाउडर सब कुछ लगा के रेडी है कि बस स्वामी जी आने वाले होंगे, और स्वामी जी आए भर के, बिल्कुल पूरी बंदूक भरी हुई है। और जैसे ही वो घर पे आए, पत्नी तो जो सोच रही थी कि अब आज क्या क्या गए थे सुबह, वो कब क्या क्या गए थे, सुबह, अब क्या है, शाम, है ना। और सुबह और शाम के बीच में माहौल बिगड़ चुका है, और माहौल बिगड़ चुका है तुम्हें क्या मालूम, तो वही सोच रही सुबह वाला। और तुमने कहा लेट हो गए आप, तो क्या करें, किस बोले ये क्या हो गया, ये तो सुबह क्या क्या गए थे कि घूमने चले गए अपन, हैं, और क्या हो गया, चलो अपने कहा, आपने कहा था घूमने चलेंगे, घूमने चलोगे, हम कोई तैयार करके बैठे, एक घंटे से तैयार होकर बैठे हैं मालूम है, तो क्या हो गया तैयार होकर बैठे, ये तो बैठ जाना बाद चले जाना, है जब जब घूमने घूमने का लगा रहता है, हाँ घूमने चलो घूमने चलो घूमने चलो, लो विवाद हो गया, नहीं विवाद अच्छे खासे में, नौ से सोचा था, नौ से सोचा था विवाद हो गया, नौ से सोचा था कि मैं कहूँगा कुछ, है ना, फिर कह दिया, है ना। अब भले वो लड़ाई तुम्हें हल्का सा गुस्सा है, को 3 दिन चल जाए, तुमने कुछ कह दिया वो भी दिल पे ले लेगी कि तुमने बताओ बेवजह हमें डांट दिया, है ना। अब वो भी रूठ के बैठ गई, अब दोनों क्या है, दोनों एक घर में रूठ के बैठे अलग अलग, है ना, बोन से नहीं बोल रहे, बोन से नहीं बोल रहे, उनका ध्यान रख रहे, उनका ध्यान रख रहे, है ना। बोले क्यों, तो किसने स्वीकार किया, जो स्थिति बनी परिस्थिति बनी हमें तो स्वीकार की है। तो आचार्य भवन बोल रहे हैं कि संसार में रह रह करके कितने कर्मों का आश्रय आप अपने हाथ से ही करते हैं, और जब कर्म का आश्रय करते हैं तो हंसते मुस्कुराते कर लेते हैं, और जब वह उदय में आता है, जैसे कहते हैं ना अपन कि हंसी खुशी में सामान ले आओ बाजार से, बाजार में गए, ये फ्रिज बहुत अच्छा है, हाँ ले लो, है ना, अरे उन्होंने कहा अरे अभी नहीं अभी नहीं, अभी जब अगली बार देख लेंगे, सारे बोले अरे ले जाओ फाइनेंस हो जाएगा ना, किसमें क्या दिक्कत है, किस देते जाना, ठीक है भिजवा दो, वॉशिंग मशीन भिजवा दो, टीवी एलसीडी भिजवा दो, है ना, लैपटॉप बच्चे के लिए भिजवा दो, है ना, क्या कहते हैं वो एक्टिवा भिजवा दो, सब चीज़ भिजवा दो करके इकट्ठी हो गई बाजार में, मतलब घर में, अब घर बाजार बन गया, सब सामान से पूरा पैक सामान है, लोग आके देखें कि कितना सामान, देखो गाड़ी भी है बच्चे के पास, लैपटॉप भी है, ये भी है, एलसीडी भी है, फलाना भी है, और फोर व्हीलर भी है, और टू व्हीलर भी है, है ना। और पति से कहो, वो बेचारा मुंह बना के रात को लेटा रहता है, पत्नी कहती कहाँ होगा वो, कहाँ होगा, चलो घूमे आए, गाड़ी है तो घूमे आएंगे अपन, और कह रहा तुझे घूमना दिख रहा है, और मुझे ये दिख रहा है कल वो किस्त लेने आएगा, कहाँ से दूंगा किस्त, अब क्या दिख रही है उसको, किस्त दिख रही है। तो जब बताओ, जब सामान लाए थे तब तुम्हें दिमाग में नहीं आई थी कि किस्त देना पड़ेगी, हैं, तब तो खुशी खुशी में उठा लाए सामान और रख लिया बड़े अच्छे से घर में, वो रखा फ्रिज इतना लंबा एलजी का, हैं, वो रखी इतनी जगह पे वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक चलने वाली, है ना, बड़े उस समय तो बड़े मोहल्ले को दिखा रहे और सांस से ला रहे थे ऐसे कि लोग मोहल्ले के भी लोग देख लें, अरे वो वॉशिंग मशीन लेकर आए, अरे जी एलजी का जी उठा के लाए अभी, है ना, फ्रिज अभी भी लाए हैं, जब वो तो उस समय तो कितनी खुशी है, आने की खुशी, ठंडा पानी पी लो उसकी खुशी, है ना, सब्जी रख दो बचा के उसमें वो खुशी, पर जब वो किस्त लेने आया तब नानी याद आ जाती है, आदमी आती है। ऐसे ही व्यक्ति अपने इस जीवन में हंसी खुशी में कितने कर्मों का आश्रय धीरे धीरे ला कर खुद कर लेता है इकट्ठा, और जब उनकी किस्त देने का टाइम आता है तब रोता है, हे भगवान जी क्या कर रहे, हे भगवान कौन से कर्मों की सजा दे रहे, हे भगवान हमने ऐसे कौन से पाप करे, तो भगवान के कोई पाप नहीं करे, जो सामान इकट्ठा ले आए थे ना, जो उसकी किस्तें हैं वहां नहीं दे पाए तो अब यहां दो।
कितने महीने तक? 5 महीने तक। अब 5 महीने के बाद उस बच्चे का मुंह खुल जाता है पेट में। अब अभी तक तो वो माँ के द्वारा खाता, तो नली के माँ से जा रहा था, नाल के माध्यम से। अब मुंह खुल गया, अब जहाँ मुंह खुला तो खाने को चाहिए, तो अब वो बच्चा क्या खाएगा? 4 महीने। तो अब पेट में क्या है? कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं कि भैया वहाँ जाके समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, पोहा खा लो, मैगी खा लो, बर्गर खा लो, चाउमीन खा लो, है ना? वहाँ कुछ नहीं है ये चीज़ें। तो वहाँ पर क्या है, अब जो माँ ने खाया था भोजन, खाने से जो खाने के बाद उस भोजन का जो बन गया क्या मल, पोटी बन गई, है ना, क्या बन गया? यूरिन बन गई, यूरिन। अब वो बच्चा क्या करता है, 4 महीने जो शेष हैं उन 4 महीने में अब भूख लग रही है तो क्या करें, मरता क्या नहीं करता, तो माँ के, माँ का जो पेट में जो मल पड़ा हुआ है उस मल को ही खाता है 4 महीने। ध्यान रखना, 4 महीने वो बच्चा माँ के भोजन से जो बना हुआ मल मूत्र है, पानी के लिए वो मूत्र पीता है और खाने के लिए मल खाता है। नरक है ना ये, अपने तो अपने पेट की बात है, अपने यहीं की, मनुष्य पर्याय की। अब वो जीव जो नरक में है, मजबूरी में खाया नहीं, खाया उसने मलमूत्र। ऐसे ही नरक में जब कुछ मिलने नहीं है खाने को, तो वो गंध वाली जो मिट्टी है जिससे 12 किलोमीटर के जीव मर जाते हैं, उसी मिट्टी को खाता है, उस मिट्टी को खाता है और खा के अपनी भूख को शांत करता है नरक में, है ना। और वहां पर जो नारकी हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे को क्या करते हैं, मजे लेते हैं, मजे। जैसे जो लोग यहाँ मजे लेते हैं ना, इसको लड़वा दो, उसको लड़वा दो, इसको भिड़ा दो, उसको भिड़ा दो, और आपस में लड़ाई हो, फिर मजे मजे लोगे, कितना आनंद आ गया, आनंद आ गया, है ना। जो ऐसे लोग हैं नरक में, सब नरक जाते हैं, और वहाँ नरक में क्या होता है, वहाँ भी यही काम होगा, लड़वाओ एक दूसरे को, भिड़वाओ। और वहाँ पर क्या होगा कि एक दूसरे को भिड़वा भिड़वा करके वहाँ पर मजे लेते, वो भी है ना, माँ के जीव को बेटे से मरवाएंगे, बेटे को माँ से मरवाएंगे, मारो। बोले क्यों? अरे बोले ये कौन है? कहीं माँ, कहीं माँ है, अरे ये दुश्मन, तुम्हें दुश्मन है ना, पिक्चर के रीप्ले की तरह दिखा देते हैं, क्रिकेट का रीप्ले होता है ना, रीप्ले, ऐसा रीप्ले दिखा देते, देखो कौन सा सीन दिखा दिया, बचपन का, जब वो माँ काजल लगा रही थी। बोले देखो बेटा, तुम जैसे माँ कह रहे हो, ये देखो जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम्हारी आँख फोड़ रही थी, इसने आँख जब ही फोड़ दी थी। अब नरक में तो ज्ञान कुज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान, तो उसको देख कर, अरे इसने माँ ने मार दिया था, मतलब आँख फोड़ दी थी, लाओ हथियार, मैं माँ को देखता हूँ। तो वहाँ माँ का जीव भी बेटे को मारता है और बेटे का जीव माँ को मारता है, वहाँ पर सब चित चलेगा, है ना। अब जो और दूसरे नारकी हैं, देखा कोई नारकी बेचारा प्यास, गर्मी, अब गर्मी कितनी पड़ती है यहाँ, जून के महीने में सिर्फ टेम्परेचर 45, और 45 में अपन कहते हैं भैया बहुत टेम्परेचर है ना, अपन कहते हैं भैया घर में रहो, घर में रहो, लू लटपट लग जाएगी, बाहर मत निकलो, है ना। और वहाँ पर कितनी गर्मी है कि सुमेरु पर्वत जैसा इतना बड़ा लोहा, लोहे का गाटर, मतलब इतना बड़ा, और वो अगर मान लो वहाँ डाल दो नरक में, तो एक क्षण में लगता है, इतना तापमान है कि एक क्षण में पूरा लोहा गल के पानी बन जाता है, इतनी गर्मी। एसी, एसी के पिताजी को ले जाओ तो वहाँ कुछ एसी गल जाएगा पूरा, इतनी गर्मी है वहाँ पर। और सर्दी इतनी है, इतनी सर्दी है कि अपन यहाँ थोड़ी सर्दी पड़ती तो अपन कहते भैया ये तो हाड़ कपाने वाली ठंड है अपन कहते हैं, और वहाँ पर इतनी गर्मी है कि पिघला हुआ लोहा वहाँ डाल दो तो एक क्षण में गाटर बन जाएगा, जम जाता है, इतनी ठंड पड़ती है। सोचो ऐसा नरक है, और उस नरक में फिर भी हम लोगों को मजबूरी में रहना पड़ेगा। क्यों? आप ही ने कहा था हम नरक चले जाएंगे, आप ही ने कहा था नरक चले जाएंगे, अब नरक में रहो। और वहाँ पर, अब वहाँ पर क्या हो रहा है, पानी नहीं है, प्यास लग रही है, एक नारकी बड़ा बैठ गया एक तरफ, अरे कितनी गर्मी है, कितनी प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। और दूसरा नारकी क्या करता है, अपनी विक्रिया रिद्धि से तालाब बना देता है, पानी, पानी बना देता है, पानी की देख करके वो व्यक्ति नारकी बेचारा दौड़ के भागता है कि जब पानी मिल गया, पानी है देखो, और जाता है जैसे ही तो खून जाता है उस पानी में, और क्या देखा, वो पूरा पानी खून बन गया लाल, है ना, उसमें इतने कीड़े मगर वो सब उसको काटने दौड़ते हैं, फिर भागता है वहाँ से।
कुल मिलाकर के सब यही बनता है वहां, और कुछ नहीं नरक में। सब कुछ वो चीजें हैं कि अगर एक बार कोई नरक चला जाए और नरक की यादें अगर उसके दिमाग में रहें, और हम सब लोग होकर आ गए, अब हम सब लोग होकर आ गए, पर हम लोग कष्ट लेते तो हैं पर लेके भूल जाते हैं और फिर वही काम करने लग करना कर चालू कर देते हैं। तो ऐसे नरक कितनी बार होके आ गए अपन, है ना। गर्मी इतनी है तो वो सोचता है कि कोई पेड़ मिल जाए तो हम छाया में बैठ जाएं, तो दूसरा नारकी पेड़ बन जाता है और पेड़ बन जाएगा घना पेड़, तो दूसरा नारकी समझता है भ्रांति में कि जब यह पेड़ है अच्छा नीचे बैठ जाता है पेड़ के नीचे, वो नारकी तो नारकी था वो तो मतलब अपने हिलता है तो पत्ते जो पत्ते वो गिरते हैं, वो पत्ते नहीं हैं हथियार हैं, तो जैसे पत्ते नीचे गिरते हैं तो उस नारकी के जो नीचे बैठा था उसका पूरा शरीर कट जाता है, उसका पूरा शरीर कट जाता है। तो आचार्य बोल रहे हैं कि सोचो नरक के कितने सुख हैं, नरक के इतने सुख हैं, अब बताओ किसको जाना है, एडवांस बुकिंग ना। आचार्य बोलना कि ऐसे कष्ट उस नरक के हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि आचार्य बोल रहे हैं कि उस नरक में धरती स्पर्श करने से ऐसा दुख होता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ काटा हो, है ना, डंक मारे हों और उसके समान दुख नहीं है। और जब वहाँ पर रक्त मबाद यानी पीप से भरी हुई नदी होती हैं जिसमें लोग नहाते कोशिश करते हैं फिर भागते हैं, है ना, और छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई है और ऐसी शरीर की में दाह उत्पन्न करने वाली है, ऐसी नरक की यात्रा जो कि बड़ी अजीब व गरीब व खतरनाक है, पर उसमें हमें एक बार कोई व्यक्ति होके आ जाता है तो जिंदगी में फिर ना जाने की कसम खाता है, मगर खाता है पर जब यहाँ आके सुख भोगता है सब भूल जाता है, फिर क्या कहता है, हाँ हम नरक चले जाएंगे। तो इसलिए अपने जीवन में कितना ही दुख हो, कितनी ही परेशानी हो, कितने ही कष्ट हो, नरक की बातें याद कर लेना कि वहाँ जैसा कष्ट नहीं है, वहाँ जैसा कष्ट नहीं है। और सपने में भी अगर कोई विचार आ जाए कि मैं नरक चला जाऊँ तो कभी मत करना प्राचीर लेना कि मेरे विचार आए महाराज नरक जाने के, प्राचीर लेके ख़त्म कर देना, है ना, नरक क्यों जाएं, हैं। और ऐसी नरक की यात्रा कौन करें, क्यों करें हम जाएं, तो ऐसे नरक से बचने का प्रयास करो, है ना। सुसाइड, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड करने वाला व्यक्ति नियम से नरक जाता है, सोच ले, सोच भी लिया तुमने अगर सुसाइड करने का तो नरक की गति उसी दिन बन जाती है, नरक जाना पड़ेगा, सुसाइड करने वाला नरक जाएगा। अब एक दिन यहाँ मरो वो कष्ट लो, ऊपर से फिर वहाँ जाओ वहाँ के इतने कष्ट लो, है ना। इसलिए कभी भी ना सुसाइड का भाव मन में आए, ना कभी एक कोई नरक जाने के भाव उत्पन्न आए, हमेशा जब भी भाव बनाओ ऐसे भाव बनाओ कि मुझे तो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, भगवान बनाना है, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। दुनिया के सारे शौक करो पर लिमिट में करते जाओ, पर एक शौक बाकी रखना, वो शौक है बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, परिणामों की शुद्धि रहे और बोधि समाधि की प्राप्ति हो। और वह कहाँ मिल सकती है बोधि समाधि, वो बिना गुरु और प्रभु के नहीं मिल सकती, प्रभु बोलते नहीं हैं, शास्त्र बोलते नहीं हैं, इसलिए गुरु ही क्या करते हैं तुम्हें एन कैन प्रकारेणे, ना लाड़ प्यार से, जैसे लोग अब आप अपने बच्चों को दवाई खिला देते हो ऐसे गुरु क्या करते हैं आपको हंसते हंसाते हुए तुम्हें नियम दे देते हैं, संयम दे देते हैं, है ना। इसको देते हैं बोले रात में भोजन करो तो नरक जाओ, है ना, रात में भोजन करो तो नरक जाओ, रात में भोजन बनाओ तो नरक जाओ, तो कितनी हिंसा कर रहे हो, है ना। बोले अब देखते घर में जब घर बनवाते हो अपन वास्तु की अपेक्षा से, तो क्या बोलते हैं, यहाँ भैया आग्नेय कोण में किचन बनाओ, है ना, कहते हैं कहते अपन ईशान कोण में मंदिर बनाओ, है ना, खाने की व्यवस्था पश्चिम में करो, वास्तु कहता है ऐसा, तो बिल्कुल घर शुद्ध माना जाएगा। अब अपन क्या करते हैं आजकल लोगों को बैड टी, कौन सी टी, बैड टी,
मतलब बेड पे ही वहीं सो के उठे, वहीं चाय दे दो है ना, वहीं नाश्ता दे दो, वहीं भोजन दे दो। अब तो तीन जगह का काम एक जगह में कर लिया, वो सोने का काम था। अब सोने के काम में पलंग है, सोने की चीज़ है, अब सोने के पलंग में क्या है? पलंग भले चाहे सोने का हो गोल्ड का, फिर भी काय का पलंग है? भोगों का। उस पर भोगों की सामग्री परोसी जाती है ना, कप का गद्दा, बच्चों ने उस पर गंदगी भी की होगी है ना, बेडशीट तो चेंज होती खाली ऊपर की, बाकी तो गद्दा तो वही है ना, अब उस पर गंदगी भी की, कब से धुला नहीं, का गद्दा धुलता है क्या है? अब उस पर बैठ के तुम खाना खा रहे हो, उस पर बैठ के चाय पी रहे हो, अब बताओ क्या होगा? बोले कि नरक की तैयारी। तो बोले कि कभी नहीं। तो किचन क्यों होता है? किचन में बनाओ है ना, अच्छे बाहर जो कौन सी टेबल कहते हैं उसको, जहाँ बैठ के खाते हैं, डाइनिंग टेबल। हाँ, तो वैसे तो अपने यहाँ की परंपरा नहीं है डाइनिंग टेबल की, अपने यहाँ तो है नीचे जमीन पे बैठो, चाहे हाथ पांव धो करके, और चाहे हाथ धो, पैर धो, मुंह धो, और फिर खाओ है ना, मौन के साथ प्रेम से है ना। अब अपन क्या चाहिए? टीवी भी चाहिए, सामने टीवी चल रहा हो, उसमें न्यूज चल रही हो, और मुंह हाथ में ग्रास हो, चाय हो, नजरें टीवी पर हैं, मुंह में ग्रास जा रहा है ना, ध्यान ना टीवी में पूरा है, ना खाने में पूरा है, ना चाय पीने में पूरा है ना, ये हमारी चर्या चल रही है। बताओ 100% ना खाने में ही हो, ना 100% भैया, या तो खाना बंद कर दो, टीवी देख लो अच्छे से, नहीं तो टीवी भी चाहिए है ना, खाना भी चाहिए, और मोबाइल रखिए बगल में, कोई घंटी बज जाए तो वो अलग, वो भी नहीं छोड़ सकते 15 मिनट के लिए। तो आज बोले बताओ क्या तैयारी कर रहे हो, कहाँ की तैयारी कर रहे हो? इसलिए ध्यान रखना, अगर उस समुद्र के पानी की तरह चिड़िया जिसको खाली करेगी, उतनी गति अगर वहाँ हाथ में जाना है तो मति का ध्यान रखना, और नहीं जाना है तो मति को बिगड़ने मत देना। अगर मति बिगड़ गई तो गति बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। ऐसी भावना के साथ लो महावीर भगवान की जय।